सो आप कोई भी टॉपलोड वॉशिंग मशीन ले लो, अगर आपके ये 5 पॉइंट्स क्लियर हैं तो आप चाह के भी एक गलत वॉशिंग मशीन परचेस नहीं कर पाओगे। आप एक बेस्ट मशीन ही लोगे, वो भी अपने नीड्स के अकॉर्डिंग। सो फर्स्टली जो मेरी रिकमेंडेड बेस्ट वॉशिंग मशीन हैं, उन सबसे हमें वॉशिंग क्वालिटी मोर ओवर लेस सिमिलर ही मिलेगी, चाहे फिर कोई भी ब्रांड अपनी कोई भी टेक्नोलॉजी कितनी भी क्यों ना मार्केट कर ले, क्योंकि जो वॉशिंग मशीन के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो सब मशीन के लिए सेम ही रहेंगे। बस यहाँ डिफरेंस आएगा वाटर कंजप्शन, इलेक्ट्रिसिटी यूजेज, जेंटल वॉशिंग और क्लोज केयर, नॉइस, वाइब्रेशन, ईज ऑफ यूज, आफ्टर सेल सर्विस एंड वॉशिंग मशीन लाइफ। जिस ब्रांड ने जितने बेटर तरीके से अपने मशीन के फंडामेंटल्स रिफाइन किए होंगे, वो मशीन इन सब डिपार्टमेंट में टॉप करेगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी मशीन की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, नॉइस वाइब्रेशन कम है, मोटर की प्रोटेक्शन बेटर है, मोटर एंड ड्रम का मोशन बेटर रिफाइन है, तो फॉर श्योर वो मशीन बेटर क्वालिटी ऑफ वॉशिंग के साथ बेटर लाइफ भी देगी, क्योंकि ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए वो मशीन में बेटर होने की वजह से मशीन के मैकेनिकल पार्ट्स लाइक शाफ्ट, मोटर बेल्ट, बॉल बेयरिंग, ड्रम सस्पेंशन एंड ऑल अदर मैकेनिकल पार्ट्स की लाइफ भी बेटर होती है, एंड ये सब मशीन के कोर पार्ट्स हैं। बाकी इसी तरह जो अच्छे ब्रांड्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक्स की क्वालिटी भी अच्छी रहेगी, एंड इन सब चीजों को कोई भी एक दिन, एक महीने या एक साल की यूजेज में टेस्ट नहीं कर सकता। मैं यहाँ अच्छे ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी हल्की मशीन तो एक साल में ही बोल जाएगी। बाकी एक अच्छे ब्रांड के सक्सेसफुल मॉडल पे ट्रस्ट एंड श्योरिटी बिल्ड करने का एक ही तरीका है, विच इज प्रॉपर रिसर्च ऑन ब्रांड्स प्रीवियस मॉडल्स, इंक्लूडिंग इनकी मार्केट रेपुटेशन, इनकी मशीन की रिलायबिलिटी एंड कंपैरिजन विद देयर न्यू मॉडल्स, जिससे ये इंश्योर हो सके कि ब्रांड ने अपने नए मॉडल्स के साथ एक्चुअली में अपने कंपोनेंट्स की क्वालिटी बेटर की है या फिर सिर्फ नए नए टर्म्स से मार्केटिंग ही की है। देन फिर थर्ड, यहाँ मेरी हर एक रिकमेंडेड मशीन में कुछ कॉमन फीचर्स मिलेंगे, लाइक लिंट और मैजिक फिल्टर, स्टेनलेस स्टील ड्रम, टब क्लीन, ऑटो रिस्टार्ट, रैट मैश, मिड साइकिल क्लोथ एड ऑन, सेल्फ डायग्नोस, 5-star रेटिंग, इन्वर्टर मोटर, फ्री इंस्टॉलेशन, चाइल्ड लॉक एंड सो ऑन। ये सब चीजें आपको मेरी हर एक रिकमेंडेड मशीन में मिलेगी। अगेन यहाँ पे बस इनमें फर्क रहेगा रिफाइनमेंट एंड क्वालिटी में। लाइक सेल्फ डायग्नोस तो हर मशीन में होता है, बट LG मशीन का जो सेल्फ डायग्नोस है वो बेस्ट है with most comprehensive details. Then फिर next, fourth is number of wash program. Like हमें एक best machine में number of wash program ज़्यादा मिलते हैं, तो ही हमें इस number of wash program पे ध्यान देना है, वरना सिर्फ ignore ही करना है, क्योंकि reality में हम 4-5 programs ही अपनी daily life में use करते हैं, एंड ये जो essential 4-5 वॉश प्रोग्राम है वो आपको मेरी हर रिकमेंडेड वॉशिंग मशीन में मिल जाएंगे। देन फिफ्थ, अगर आपके यहाँ पे हार्ड वाटर आता है तो आपको अपने मशीन के साथ एक वाटर सॉफ्टनर यूज करना ही है उसके इनलेट पॉइंट पे, जिससे अपने मशीन के कंपोनेंट्स की लाइफ एंड वॉश क्वालिटी हार्ड वाटर की वजह से इफेक्ट ना हो। बाकी हमारे यहाँ पे हार्ड वाटर आता हो या सॉफ्ट वाटर आता हो, हमें प्रॉपर इंटरवल्स में अपने मशीन को डीस्केलिंग करना है विद द हेल्प ऑफ डी स्केलिंग पाउडर। और वैसे कैसे करना है इस पे ऑलरेडी आपको कई वीडियोस मिल जाएंगी, बट कब करना है, कितने इंटरवल्स में करना है, ये आपके इनलेट वाटर के टीडीएस एंड हार्डनेस पे डिपेंड करेगा। देन इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है एक बोनस पॉइंट, कि हमें यहाँ पे कभी भी किसी ब्रांड के अननेसेसरी फीचर्स या फिर फैंसी नेम वाले टेक्नोलॉजी से फैसिनेट नहीं होना है। लाइक कई के नाम तो मैं भी आपको वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, जिनका एक्चुअल वर्ड में कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। बाकी इसके बाद सबसे बड़ा सवाल है कि हमें कितने केजी की मशीन लेनी है, तो ये वैल्यू सिर्फ नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स पे नहीं, आपके वॉशिंग हैबिट्स पे डिपेंड करती है, जिसे मैंने ऑलरेडी अपनी एक डेडिकेटेड वीडियो में गाइड किया है। एंड इसी के साथ मैं एक ब्रीफ कंपैरिजन करूँ टॉप लोड वर्सेस फ्रंट लोड मशीन में, तो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन टॉप लोड मशीन के कंपैरिजन में जेंटल एंड बेटर वॉशिंग, लेस वाटर यूजेज एंड बेटर ड्राइंग करती है, एंड साथ में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी फ्रंट लोड मशीन में मिलते हैं। और ऐसा यहाँ पे होता क्यों है, इसका आंसर भी मशीन के फंडामेंटल्स में ही छुपा है, जिसे मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। बाकी फ्रंट लोड मशीन का प्राइस भी अप टू 2 times तक जाता है, और वहीं दूसरी तरफ टॉप लोड मशीन में इलेक्ट्रिसिटी यूजेज, मेंटेनेंस और सर्विस कॉस्ट एंड एफर्ट कम रहता है। बाकी एक मशीन की इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन एंड वाटर यूजेज अपने मशीन के स्टार लेवल पे क्लियरली मेंशन मिल जाता है।
नाउ अब फाइनली हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं बेस्ट टॉप लोड मशीन की रिकमेंडेशंस पे। एंड ये रिकमेंडेशन मैंने हर एक प्रीवियस पॉइंट को कंसीडर करके ही प्रिपेयर की है। तो चलिए इस वीडियो को भी हम स्टार्ट करते हैं आपके अनबायस फ्रेंड सुमित के साथ। सो इस लिस्ट की फर्स्ट पोजीशन पे मोस्ट ट्रस्टेड एंड रिलायबल वॉशिंग मशीन है। अगर आपको कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है तो इससे बेटर रिलायबल मशीन कोई भी नहीं है, और ये मैं इस मशीन के सीरीज के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। बाकी यहाँ ये मशीन है LG की टॉप लोड वॉशिंग मशीन, जिसमें है 6.5 kg to 8 kg तक के वेरियंट। एंड इस वीडियो में हम कंपेरिजन के लिए 8 kg वाली मशीन को कंसिडर करेंगे। सो इस मशीन के की हाइलाइट्स हैं कुछ इस प्रकार से। फर्स्टली इसमें है एक स्मार्ट इन्वर्टर मोटर, और हम यहाँ पे इसके नाम की नहीं एक्चुअल काम की बात करें सो इस मोटर के ऊपर हमें एक हाई क्वालिटी प्लास्टिक की प्रोटेक्शन मिलती है, जो मशीन के मोटर को एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है यहाँ पे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, लाइक मॉइस्चर वगैरह। एंड साथ ही में नो डाउट ये एक मोस्ट रिफाइंड मोटर है, जिसकी नॉइस एंड वाइब्रेशन पूरे सेगमेंट में सबसे कम रहेगी, विच इज ओनली 54 dB। देन सेकेंडली इसमें है स्टेनलेस स्टील टर्बो ड्रम। लाइक स्टील ड्रम तो हमें हर मशीन में मिलता है, बट यहाँ पे टर्बो ड्रम से मतलब ये है कि इस मशीन में हमें यहाँ पे 3 स्मार्ट मोशंस मिलते हैं विद बेटर ड्रम एंड पल्सेटर मूवमेंट, जिसमें ड्रम एंड पल्सेटर अपोजिट डायरेक्शन में रोटेशन क्रिएट करके हमें बेटर टफ डर्ट रिमूवल प्रोवाइड करता है। देन थर्ड इसमें इन टोटल 8 वॉश प्रोग्राम है, इंक्लूडिंग प्री वॉश ऑल्सो। फोर्थ इसकी मैक्सिमम स्पिन स्पीड है 700 RPM की, जो टॉप लोड मशीन में एक फेयर स्पीड मानी जाती है। यहाँ जितनी ज्यादा मशीन की स्पिन स्पीड रहेगी उतनी ही बेटर ड्राइंग हमें अपनी मशीन से मिलेगा। देन फिफ्थ इसकी इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर कंजप्शन आपके स्क्रीन पे है, एंड नो डाउट ये अपने सेगमेंट की मोस्ट पावर एंड वाटर एफिशिएंट मशीन है, विच इज इम्प्रेसिव। और ये चीज हम यहाँ पे आगे आने वाली मशीन से भी कंपेयर करेंगे। एंड इन सब के अलावा इस मशीन में अदर इम्पोर्टेंट फीचर्स भी हमें मिल जाते हैं, जो सब आपके स्क्रीन पे है, जिसमें स्पेशल मेंशन बनता है इसका एप बेस्ड सेल्फ डायग्नोस फीचर का। सो इन कंक्लूजन इसकी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट ये बनती है कि इफ यू वांट मोस्ट टेस्टेड एंड रिलायबल वॉशिंग मशीन विथ लोएस्ट नॉइस वाइब्रेशन लेस वाटर कंजप्शन एंड वन ऑफ द बेस्ट आफ्टर सेल सर्विस ऑल्सो, सो इससे बेटर कोई मशीन नहीं है। बस इसमें एक रिमार्क है कि इसमें हमें सॉफ्ट क्लोज लेड नहीं मिलती, जो मेरे लिए कोई कॉन नहीं है, बट होता तो यहाँ पे और बेटर रहता। नाउ अब इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट मशीन है सैमसंग टॉप लोड मशीन, जिसमें मैं यहाँ पे 2 वेरिएंट्स रिकमेंड करता हूँ, 7 kg and 8 kg। एंड इस मशीन की हाइलाइट्स कुछ इस प्रकार से हैं। फर्स्टली इसमें है डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी मोटर विथ 700 RPM स्पिन स्पीड, जो एज पर सैमसंग ज्यादा ड्यूरेबल, साइलेंट एंड पावर एफिशिएंट है, बट प्रैक्टिकली आपको नॉइस में कोई मेजर फर्क नहीं मिलेगा इन कंपैरिजन टू LG। इसकी नॉइस लेवल है यहाँ पे 60 dB की, एंड एनर्जी कंजप्शन में भी LG लिटिल बेटर है, बट इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेबिलिटी सैमसंग यहाँ पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट 20 ईयर्स ऑफ वारंटी दे रहा है अपनी मोटर पे, जो बहुत ही एक अच्छी बात है। बट वॉशिंग मशीन में मोटर एक ऐसा कंपोनेंट है जिसके खराब होने के चांसेस सबसे कम रहते हैं, एंड मोटर वारंटी में सिर्फ मोटर ही कवर है, गियर बॉक्स, बॉल बेयरिंग, शाफ्ट ये कुछ नहीं, जिनमें इश्यूज आने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू मोटर, ड्यू टू मेजर इम्पैक्ट ऑफ वियर एंड टीयर। बाकी साथ में इस मोटर वारंटी में आपको लेबर एंड विजिटिंग चार्जेस पे करने पड़ेंगे। देन सेकेंडली इसमें एक इको बबल टेक्नोलॉजी है, जिसमें फर्दर यहाँ पे 2 टेक्नोलॉजीज हैं। फर्स्ट इज बबल स्ट्रॉम, जिसमें बेसिकली इनके डिटर्जेंट ट्रे में 2 स्पिनिंग मैकेनिज्म है, जिससे डिटर्जेंट का मूवमेंट डिटर्जेंट ट्रे में भी बेटर तरीके से होता है, एंड इससे हमें बेटर डिटर्जेंट मिक्सिंग मिलती है एज कम्पेयर टू नॉन बबल स्ट्रॉम डिटर्जेंट ट्रे। लेकिन अगर आप भी लिक्विड डिटर्जेंट यूज करते हो तो इससे मेजर फर्क आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पाउडर डिटर्जेंट के केस में हमें थोड़ा बेटर फोम मिलेगा। देन फिर इस इको बबल टेक में यहाँ पे सेकेंड टेक है बबल स्ट्रॉम, जिसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ भी नहीं है। एंड यहाँ पे सैमसंग का कहना है कि इस इको बबल टेक्नोलॉजी से
73% less electricity consumption होगी एंड 19% less water usage. But actually में in comparison to real world competition ऐसा कुछ भी नहीं है. इनफैक्ट इसकी वाटर कंजप्शन इसके हर एक कॉम्पिटिशन से ज्यादा ही है. नेक्स्ट थर्ड, इसमें इन टोटल 9 वॉश प्रोग्राम है. फोर्थ, इसमें हमें सॉफ्ट क्लोज लिड भी मिल जाती है एंड नो डाउट डिजाइन वाइज भी हमें ये मशीन काफी अच्छी मिलती है ड्यू टू रियर साइड टच कंट्रोल पैनल. इन सब के अलावा इसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ भी नहीं है. इसकी जो अदर इम्पोर्टेंट फंक्शन एंड स्पेसिफिकेशंस है वो सब आपके स्क्रीन पे है. बाकी इसकी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है कि इफ यू वांट एस्थेटिकली गुड मशीन विद सॉफ्ट क्लोज लिड 20 इयर्स वारंटी ऑन इट्स मोटर फ्रॉम अ गुड रेप्यूटेड ब्रांड विद डिसेंट आफ्टर सेल सर्विस एंड सर्विस कॉस्टिंग तो ये मशीन आपके लिए बेस्ट है. बस इसमें 3 रिमार्क है. फर्स्टली, इसका वाटर कंजप्शन थोड़ा ज्यादा है. बिल्ड क्वालिटी थोड़ी इंफीरियर है, लाइक अ लिटिल डिफरेंस इन कंपैरिजन टू इट्स कंपटीशन. एंड थर्ड, करेंटली सैमसंग इको बबल मशीन की सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आपको यूट्यूब पे मिलेगी, इंक्लूडिंग फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन ऑल्सो फ्रॉम एवरी कैटेगरी इन्फ्लुएंसर लाइक स्मार्टफोन कंप्यूटर लाइफस्टाइल होम अप्लायंसेस इन एवरी कैटेगरी इंक्लूडिंग दोज ऑल्सो जो अपने आप को सच्चाई की मूरत बोलते हैं एंड अपनी वीडियोस में आपको गवर्नमेंट की गाइडलाइंस गिनाते हैं रिगार्डिंग पेड प्रमोशन कंटेंट. बाकी आप एक वाइज पर्सन हो तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको यहाँ पे ओवर एक्साइटेड नहीं होना है. नाउ अब इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट थर्ड मोस्ट वैल्यू फॉर मनी एंड फीचर रिच मशीन है वर्लपूल टॉप लोड मशीन, जिसमें भी यहाँ पे 3 वेरिएंट्स हैं फ्रॉम 6.5 केजी टू 8 केजी. और इस मशीन की बिगेस्ट हाईलाइट है कि अंडर 20,000 इस मशीन में बिल्ट इन हीटर है फॉर स्टीम वॉश एंड इसमें है इन टोटल 12 वॉश प्रोग्राम जिसमें से 3 हॉट वाटर मोड हैं विच आर वार्म हॉट एंड एलर्जन फ्री मोड और ये अप टू 50 टफ स्टेन्स रिमूव कर सकते हैं. नेक्स्ट, इस मशीन में है एक जीरो प्रेशर टेक्नोलॉजी. दिस मीन्स अगर आपके यहाँ पे वाटर का प्रेशर काफी कम है एज लो एज 0.17 MPa तो भी ये मशीन वॉशिंग कर लेगी. बट एज वी ऑल नो कि अगर यहाँ पे प्रेशर कम है तो यहाँ पे वाटर फिलिंग में एक्स्ट्रा टाइम जरूर लगेगा. देन फिर फोर्थ, ये मशीन हार्ड वाटर वॉश कंपैटिबल है. दिस मीन्स ये मशीन हार्ड वाटर एरियाज में भी अच्छी परफॉर्मेंस देगी एज पर ब्रांड. बट जैसा कि मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया था कि अगर आपके यहाँ पे हार्ड वाटर आता है तो आपको वाटर सॉफ्टनर यूज करना ही चाहिए. यहाँ मशीन बिल्कुल भी मना नहीं करेगी कि मैं यहाँ पे हार्ड वाटर में आपके कपड़े वॉश नहीं करूंगी. बट इस बात में कोई शक नहीं है कि हार्ड वाटर वॉशिंग क्वालिटी एंड मशीन की लाइफ को इफेक्ट करता है. देन फिफ्थ, इसमें है स्पायरो वॉश जिससे एज पर वर्लपूल हमें 20% बेटर क्लीनिंग मिलेगी. बट अगेन यहाँ पे कैसे, सो बेसिकली यहाँ पे इस मशीन का जो पल्सेटर है उसकी डिजाइन यहाँ पे पल्सेटर एंड एजिटेटर का कॉम्बिनेशन है जिससे हमें पल्सेटर की जेंटल वॉश एंड एजिटेटर की टफ वॉश का कॉम्बिनेशन मिलता है. एंड सिक्स्थ, इसकी स्पिन स्पीड है 740 RPM की जो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में हाईएस्ट मानी जाती है. नेक्स्ट सेवेंथ, इसका वाटर कंजप्शन एंड इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन विदाउट हीटिंग आपके स्क्रीन पे है. फॉर श्योर इन हीटिंग मोड इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन काफी ज्यादा रहेगी इसके रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन से. बाकी इसकी भी जो अदर फंक्शनैलिटीज हैं एंड अदर इम्पोर्टेंट स्पेसिफिकेशन हैं वो सब आपके स्क्रीन पे है. एंड इसकी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है कि इफ यू वॉन्ट अ वॉशिंग मशीन अंडर 20,000 रुपीज विथ बिल्ट इन हीटर गुड बिल्ड क्वालिटी एंड ओवरऑल गुड परफॉर्मेंस तो इससे बेटर एंड ट्रस्टेड कोई भी मशीन नहीं है. बस इसमें भी यहाँ पे 3 रिमार्क्स हैं. फर्स्टली, इसमें हमें कोई सॉफ्ट क्लोज लिड नहीं मिलती. सेकेंडली, वर्लपूल की आफ्टर सेल सर्विस स्मॉल सिटीज में इतनी अच्छी नहीं है और इसकी नॉइस लेवल सैमसंग से थोड़ी ज्यादा रहेगी बिकॉज ऑफ बेटर स्पिन स्पीड. नाउ अब इसके बाद अगर मैं चाहूँ तो अपने आप को नॉलेजेबल एंड आपको कंफ्यूज करने के लिए कई और वॉशिंग मशीन एक्सप्लेन कर सकता हूँ. बट एज वी ऑल नो कि बेस्ट की डेफिनेशन में हर मशीन फिट नहीं हो सकती. दैट्स व्हाई इस वीडियो की मशीन्स हम में से मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स की नीड्स को प्रॉपरली फुलफिल कर देंगी. आपको इन में से अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग एक बेस्ट मशीन चूज करनी है. बाकी इन सब मशीन्स की बेस्ट बाय एंड जेन्युइन सेलर की लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है
एंड इन लिंक से आप अपनी कोई भी परचेस कंप्लीट करके हमें भी फ्री एट मोस्ट इफेक्टिव वे में सपोर्ट कर सकते हो। और वैसे यहाँ तक वीडियो देखने के बाद भी अगर आपका कोई भी क्वेरी रह गई हो तो आप अपने क्वेश्चंस मेरी वीकली लाइव स्ट्रीम में पूछ के इंस्टेंट रिप्लाइज ले सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में इस फॉर्मेट में पूछ के विद इन 24 to 48 आवर्स में अपने रिप्लाइज ले सकते हो।